माई तुसे दसा तुहाडे किन्ने बच्चे ने? तीन काकियां ते बेटा कोई नहीं। अच्छा गाइस, ये गांव कला मरोट के पास बहावलपुर स्टेट में वाक़या है। मैं ये चूल्हा तो तंदूर दोवें चीज़ें हैं, रोटी बना के। अच्छा, इस गांव में हमें पंजाब का ओल्ड कल्चर देखने को मिलेगा। काफ़ी काम किया, एक घर ही बनाते ने, मतलब है। हाँ जी, फिर गंदम मोल लेंदे ये के आ जाती। अच्छा, हमारे तो तंदूर की रोटी खाते ये शाम वाले, सुबह भी तंदूर दी। अच्छा, तंदूर की रोटी खाने, दूसरे दिन ही बना दे, तवे तो नहीं पका दे। की वैसे चंगी तवे की रोटी सही होती कि तंदूर की सही होती? अच्छा, तंदूर की सही होती। माई तुसे दसा तुहाडे किन्ने बच्चे ने? तीन काकियां ते बेटा कोई नहीं। अच्छा, उन्होंने तिना बेटियां शादी हो गई? स्कूल जांदे? तू केड़ी क्लास पढ़दा? स्कूल किस दिन पढ़दे? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? उसद ही नहीं है जी। गाइस, तो जिस गांव में ये माँ जी रहती हैं, आपको उस गांव में एक और घर का विजिट करवाते हैं। इस गांव में ज़्यादातर लोगों के घर कच्चे हैं और इनका जो रहन सहन है वो बहुत ही ट्रेडिशनल और कल्चरल है। ख़ासतौर पे आपको इस घर के जो एक घर है इसके अंदर कमरे का अंदर का माहौल दिखाते हैं। ये देखें जी, कितने खूबसूरत तरीके के साथ उन्होंने अपना जो सामान वगैरह है उसको सजा के रखा हुआ है। चाय पक्की है? बड़े ज़बरदस्त है जी। ऐसे करना, ऐसे करो। अच्छा है, ये इस्तेमाल भी करते हैं किसी डेकोरेट वास्ते? इस्तेमाल देखने वाले। अच्छा अच्छा, ये मतलब अक्सर लोग जी देते हैं ना? अच्छा, ओ देना दूसरे चल। हाँ जी, हाँ जी, वाह, काफ़ी काम किया। ये घर ही बनाते ने, मतलब है जी? कोई लोग घर बना ले, कोई मनियारी ले। अच्छा, ये तुसी ये घर बनाई हुई है इन्होंने? अच्छा अच्छा, बड़ी मेहनत की थी। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, तो आपको गांव में अम्मा जी से मिलवाते हैं जो अपने घर में अकेली रहती हैं। अम्मा जी की तीन बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है और अब ये और इनके खावन जो बहुत ज़यीफ़ हो चुके हैं, अकेले ही इस घर में रहते हैं, तो इनका लाइफस्टाइल देखते हैं। हमारे पंजाब पाकिस्तान में हर गांव में तकरीबन इस तरह के जो ज़यीफ़ ओल्ड एज पीपल्स होते हैं वो अकेले रह रहे होते हैं। मां जी, बकरियां दहाड़े ते रखियां तुसी? हां, बच्चा दहाड़े ते रखे ने सी। ओ फिर रब ना दिता। अच्छा अच्छा अच्छा, रोज दी दखा होनी मेरे को। सही सही सही, ते इना वास्ते का तुसी आप ही लेके आंदे ये? हां, कौन देना है? आ जमाना को देना वाला बच्चा। कोई जमाना का नहीं पड़ता। एक तेरा चाचा देख माए तू सिर लगी। सही सही सही, जियां पर ना किनियां किनियां बेटियां तड़ियां? सारे शादी होगी? अच्छा, तो करना ना।
हाँ जी, फिर गंदम मोल लेंदे ये के आ जांदी है इससे? मोल मोल बच्चा। अच्छा अच्छा, गाइस तो यहाँ मैंने आपको ये कहना है कि मां जी का घर कच्चा है और ख़ास तौर पे बारिशों की वजह से इनके घर काफ़ी नुकसान हुआ है, और मां जी बता रही थी कि उनका गुसलखाना और दीवार वगैरह गिर गई है। तो इसके अलावा इनका रोज़गार भी कोई भी नहीं है। तो अगर आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता करे, आपकी जो ऐड होगी वो ज़रूर मां जी तक पहुँचा दी जाएगी। जी दोस्तों, तो इस गांव की ज़िंदगी बहुत ही ट्रेडिशनल और कल्चरल है। लोगों का जो रोज़गार है वो माल मवेशी पर वाबस्ता है। इस बच्चे सारे घर ज़्यादातर कच्चे ही घर ने जी, लोगों ने कच्चे घर। सही सही सही, बड़े पक्के ने, मतलब पोचा है मेरा खड़े, पोचा मार दे, पोचा मार देने लोग। सही सही सही, ना ये चूल्हा तो तंदूर दोवें चीजा ही ने। हां हां, रोटी बना के नाल पका के जी भाजी ए तवी उते रखी जा। अच्छा, पहले भाजी बना दे बाद रोटी। हाँ। दोवें काम है। सही सही, शुरू ते तुसी किन्ना से बनाया चूल्हे नु? हुन बनाए से। अच्छा अच्छा, बारा शाच गाल देने, देख ना बारा शाच ये दुहा चूल्हे ए खिंडा पे ओ खड़ा वाली। अच्छा अच्छा, वेली थी सवाल भणे सा, दोबारा मिट्टी लान लपाओगे। सही सही, अच्छा, बारिश ने काफी नुकसान किया। अच्छा, किन्नी उम्र हो गई? उम्र मैं किन्नी हो गई ताड़ी उम्र है? हैं? 65 साल हो गई उम्र, जो पाकिस्तान बनिया से आ गई से तुसी? हैं? अच्छा अच्छा, चलो सही है।